हमारी आज की गुफ्तु का मौजू है ज़िक्र इलाही, अल्लाह को याद करना अल्लाह को याद करना खूबसूरत तरीन कामों में से एक काम है बेहतरीन इबादत में से एक इबादत है कुरान पाक में अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाते हैं ओला विक्र अकबर और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा काम है बहुत अच्छा काम है हकीकत यह है कि इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है उसको ज़रूर याद करता है उसका ज़िक्र करता है दिल ही दिल में भी और ज़बान से भी क्योंकि जिस चीज़ की मोहब्बत इंसान के दिल में होती है वो चीज़ ज़बान पर आकर रहती है यह हो नहीं सकता कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हों दिल में उसको याद करते हो, फिर ज़बान से उसका जिक्र करना भूल जाए ज़िक्र इलाही तो बंद मोमिन की जिंदगी में गैर महसूस तरीके से शामिल हो जाता है उसकी इस तरह आदत हो जाती है कि इंसान उठते बैठते चलते फिरते तन्हाई में सब के बीच में बैठकर अपने रब को याद करता रहता है दिल ही दिल में या जेरे लब वो अपने रब को किसी हाल में भी नहीं भूलता और भूले भी क्यों इसलिए कि उसकी ज़ात पर रब के एहसान हर एक से बढ़कर हैं उसकी निगाहें हर तरफ़ रब के कमालात देखती हैं वो हर तरफ़ रब की नेमतों को देखकर कर सरशार होता रहता है वो जिस तरफ़ भी नज़र उठाता है वहीं उसको रब की कुदरत और तख्लीक नज़र आती है अपने सामने दाएँ बाएँ ऊपर नीचे हर तरफ ज़मीन आसमान जो कुछ भी बना हुआ है जो कुछ भी फैला हुआ है वो सब उसके रब का बनाया हुआ है फिर वो उस रब को कैसे भुला सकता है क़ुरान पाक में अहले ईमान को जिक्र करने की तलकीन की गई है अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं फद अज़कुरकुम तुम मुझे याद करो तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा। एक और जगह पर फरमाया वब्बक़ी नफसिकम वी फ़तान वदून अलजहरी मिनल़ल बिल्दुवल आसान वाला तकुम मिनल्गाफिल और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजजी और खौफ के साथ और आस्था आवाज़ से सुबह शाम याद करते रहो और देखना गाफ़िल न होना नी रब की याद से कभी भी गफलत इख्तियार न करना एक और जगह पर फरमाया वध करन लाअुम ला तुफ्ल होन और अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ बहुत ज्यादा क्यों लाख तुफ्ल ताकि तुम फलाह पाओ कामयाब हो जाओ इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला को याद करना कामयाबी की अलामत है अल्लाह के जिक्र में कामयाबी की जमानत है मोमिन मर्दों और, और औरतों की सिफत कुरान पाक में यही बयान की गई है कि वो बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं सूरत में आता है, अल्लाह किरात और अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं अजरन अजीमा अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़े अजर का वादा कर रखा है और फिर ये कि ज़िक्र करने के लिए कोई ख़ास वक्त मुकरर नहीं इंसान हर हाल में ज़िक्र कर सकता है हर वक्त में जिक्र कर सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कानी कुल आने आप हर वक्त में यानी हर किस्म के वक्त में दिन में या रात में सुबह में या शाम में Allah का जिक्र किया करते थे पाक में आता है, मुसा अशारी से रिवायत है आप वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है जिंदा इंसान की तरह है और उसकी मिसाल जो अपने रब का जिक्र नहीं करता मुर्दा शख्स की तरह है गोया जिक्र करने वाला और ना करने वाला इन दोनों के दरमियान इतना ही फ़र्क है जितना एक ज़िंदा और मुर्दा इंसान में फ़र्क होता है और ये फ़र्क कितना बड़ा है यानी इंसान तो वही होता है लेकिन ज़िंदा इंसान में और मुर्दा इंसान में ज़िंदगी और मौत का फ़र्क है बिल्कुल इसी तरह जो शख्स अपने रब को याद करता है उसका ज़िक्र करता है उसके अंदर एक ज़िंदगी है उसके अंदर एक ख़ास खुशी होती है इतमान होता है और वो जो नहीं करता उसका दिल मुर्दा होता है उसकी जिंद उसके अंदर ज़िंदगी की कोई उमंग नहीं होती एक और हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के ख्याल के मुताबिक होता हूँ या ख्याल के साथ होता हूँ जो ख्याल वो मेरे बारे में रखता है मैं उसी के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है गोया जिक्र करने वाले अल्लाह की मदद के मुस्तक होते हैं यानी अल्लाह ऐसे बंदों के साथ होता है जो जिक्र करते रहते हैं अगर वो मुझको अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ और अगर वो मुझे किसी जमात में बैठ के यानी किसी ग्रुप में यानी कि पब्लिक में बैठ के याद करता है तो मैं उसको उससे बेहतर जमात में याद करता हूँ यानी फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ तो गोया अज़ कुरूनी अज़ गुरकुम तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा तो जो शख्स भी ये चाहता हो कि अल्लाह ताला उसको याद रखे उसकी मुश्किल में उसकी मदद करे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि फिर वो जिक्र करता रहे और जिक्र तमाम इबादत को ख़ूबसूरत बनाता है मसलन रोज़ा रखना एक इबादत है लेकिन जिस रोज़े में इलाही हो उसका अर सवाब कई गुना बढ़ जाएगा हज एक इबादत है बज़ात खुद हज का सफ़र एक इबादत है लेकिन उस सफ़र में इंसान अगर ज़िक्र इलाही करता रहे तो उसी हज का सवाब कई गुना बढ़ जाएगा और नमाज तो सरासर है ही अल्लाह की याद का नाम अकमला तिक्री नमाज क़ायम करो मेरी याद के लिए अल्लाह के ज़िक्र का बेहतरीन तरीका है एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वम से जब ये पूछा गया कि सबसे अच्छी नमाज किसकी, सबसे अच्छा रोज़ा किसका सबसे अच्छा हज किसका, सबसे अच्छा मुजाहिद कौन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि अ ने हर बार यही जवाब दिया कि जो अपने इन कामों में ज़िक्र अला कसरत के साथ करे और जिक्र करने वाले हर मैदान में आगे निकल जाते हैं हदीस पाक में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मफरदून सबक़त ले गए लोगों ने पूछा कि ये मफरदून कौन है फरमाया वो मर्द जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं और वो औरतें जो कसरत के साथ अल्लाह को याद करती हैं और यहाँ आप नोट कर रहे हैं ख़ास तौर पर मर्दों के साथ साथ औरतों का जिक्र भी मिलता है हज़रत अब्दुल्लह बिन बसर फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम बेशक इस्लाम के अहकाम मुझ पर बहुत हैं यानी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं करने के काम बहुत हैं आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिसे मैं अपने लिए लाज़म कर लूं यानी मेरे लिए आसान हो और मैं पाबंदी से कर सकूं तो आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ला यजालसानु कि एक चीज़ पाबंदी से पकड़ लो और वो क्या कि तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे हर दम अल्लाह को याद करते रहो और ये हकीकत है कि इंसान कोई भी काम कर रहा हो मसला ख़वान खाना पका रही हैं घर साफ़ कर रही हैं वॉक कर रही हैं कोई भी काम कर रही हैं इस तरह का तो उसमें साथ साथ अल्लाह की याद करती रहें सुबहान अल्लाह अल्हमदल्लाकबर अस्तफरल्ला इन असकार वद करते रहें तो उसमें काम भी होता रहेगा और उसके साथ साथ अल्लाह की याद भी होती रहेगी खूस तौर पर दो कलिमा ऐसे हैं जिनके बारे में बेहतरीन अजर की खुशखबरी सुनाई गई आप वसल्लम ने फरमाया कल मतान दो कलिमा ऐसे हैं खफ़ीफाने अलसानी जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं उन्हें पढ़ने में कुछ मुश्किल नहीं कीलता फिल्मीज़ानी मीज़ान में बहुत भारी हैं हबीबतान रहमान रहमान को बहुत महबूब हैं और वो क्या हैं सुहा अल्ला वमदही सुबहान अल्लाजीम चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते तस्वीर पढ़ते रहना जिक्र करते रहना इंसान के दिल को जहाँ इतमान बख्शता है वहाँ उसके काम को आसान भी कर देता है और अल्लाह की मदद भी साथ होती है और कुरने पाक में ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है खबरी है अल्ला बिक्रतमलूब सुनो अल्लाह के जिक्र से दिलों को इतमान होता है और वैसे भी मीज़ान में बहुत भारी नेकी है एक हदीस में आता है कि रसोल सल्ला वसम ने लोगों से पूछा क्या मैं तुम्हें न बताऊँ कि तुम्हारे अमाल में सबसे अच्छा अमल सबसे पाकिज़ा और तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला और जो तुम्हारे लिए सोने चांदी के खर्च करने से ज़्यादा बेहतर हो और इससे भी बेहतर हो कि तुम अपने दुश्मनों से मिलो उनकी गर्दने तुम मारो और वो तुम्हारी गर्दने मारे तो क्या ऐसा अमल न तुम्हें बताऊं सहाबा ने अर्ज़ किया ज़रूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसा अमल बताइए तो आपने फ़रमाया वो अल्लाह का जिक्र है यानी तमाम आमाल में वो सबकत ले जाता है इसी तरह एक और हदीस में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कुछ लोग बैठते हैं और वो अल्लाह का जिक्र करते हैं नहीं किसी मजलिस में इकट्ठे होकर बैठते हैं तो अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती उन पर सकीनत नाजिल होती है अल्लाह ताला उनका अपने यहाँ ज़िक्र करते हैं गोया अकेले भी ज़िक्र किया जा सकता है और किसी मजलिस में इकट्ठे बैठ कर भी फिर इसी तरह सुबह शाम भी जैसा कि कुरान पाक में आता है व सब बह बहम द रब का क़बल तुलू इस शम्स गुरु बिहा अपने रब की तस्वीर बयान करो सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले एक और जगह पर आता है और सब बह बहम रब का बिल आशी वल वलकार अपने रब की हमदोसना बयान करो अशी के वक्त यानी असर के वक्त वल वब्कार और सुबह के वक्त अशी का लफ्स जो है ये जवाल शम्स से ग्रूब शम्स के दरमियानी वक्त को कहते हैं फिर इसी तरह अम्बियाँ के बारे में हम देखते हैं हज़रत दाऊद बहुत ख़ूबसूरत आवाज़ से बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह अल्ला ताला का जिक्र किया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में बहुत खुशखबरियाँ दी हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि खुद अल्लाह ताला का तकर्रब इंसान को हासिल होता है इंसान के गुनाहों का कफ़ारा होता रहता है और बाज़ अस्कार जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली नज़र आते हैं लेकिन उनका अजर सवाब इतना है कि इंसान हैरान होता है कि इतने कम कलम के बदले इतना बड़ा सवाब जैसे नबी सल्ह वसल्लम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है अब अलहमदिल्ला दो लफ्स हैं लेकिन जो शख्स दिल से उसको अदा करता है तम ललमीज़ान मीज़ान भर जाता है उससे सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात आसमान और ज़मीन के दरमियान को पुर कर देते हैं इतना अजर सवाब है इन छोटे छोटे कलिमात का भी लेकिन अक्सर शैतान हमें इनसे गाफिल रखता है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कसरत के साथ अल्लाह को याद करने वाले हों ताकि हमारे दीन व दुनिया के काम संवर जाएँ और आखरत में अल्लाह के महबूब और मकर्रब बंदों में हमारा शुमार हो अगर इस सिलसिले में आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं आप पूछिए मोहतरम डॉक्टर साहबा में आप बताएंगे कि मसनून असकार की तरफ हमें रहनुमाई फरमाइए बहुत सी किताबें ऐसे हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ, हर मौक़े की मुनासबत से असकार मजकूर हैं मसलन आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते थे तो उस वक्त अल्लाह के जिक्र से दिन का आगाज़ करते थे सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर फिर इसी तरह बिस्तर से उठने के बाद इंसान अपने क़़ा हाजत के लिए अगर वॉशरूम में जाता है तो उस वक्त खला में दाखिल होने के वक्त का ज़िक्र है फिर खला से बाहर आने के वक्त नबी वसल्लम जब तहज्जुद के वक्त उठते थे तो वज़ू से पहले आसमान की तरफ़ निगाह उठाकर सूरत आमरान की आखिरी आयत पढ़ा करते थे फिर इसी तरह सहरी के वक्त खास तौर पर इस्तार का हुक्म है फिर इंसान वज़ू करता है तो वज़ू से कबल और वज़ु के आखिर में जिक्र बताया गया और वज़ू के आखिर का जिक्र सुबह नकल्लाहमद काशद अनताफ़ रुकाव अतुबाई का इतना वाब बताया गया कि ऐसे शख्स के लिए जो पाबंदी के साथ ये ज़िक्र करता है उसके लिए जन्नत के आठ दरवाज़े खुल जाते हैं फिर इसी तरह जब इंसान घर से निकलता है मस्जिद की तरफ जाता है मर्द हजरात तो घर से निकलने के वक्त की दुआ है फिर इसी तरह रास्ते में पढ़ने की फिर मस्जिद में दाखिल होने की फिर मस्जिद के अंदर फिर मस्जिद से बाहर निकलते वक्त फिर दोबारा घर आते हुए बाजार से अगर गुजरता है तो उस वक्त का जिक्र है फिर घर में दाखिल होने का जिक्र है फिर अगर कुछ खा रहा है इंसान तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का आगाज़ करता है और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ फिर इख्तिताम करता है फिर इसी तरह छींक आने पर जिक्र है फिर मुर्गा अगर आज़ान देता है तो उस वक्त का ज़िक्र है फिर महज़म की आज़ान सुनकर इंसान उसको जवाब देता है उसके बाद का फिर ज़िक्र है फिर इसी तरह इंसान किसी के साथ जब मामला करता है कहीं वादा कर रहा है तो अल्लाह को याद करता है इन कह के फिर इसी तरह कोई अच्छी चीज़ देखता है माशा कहता है कहीं अस्तफिरल्ला कहता है तो बंद मोमिन की ज़िंदगी का कोई मकाम और कोई मौका ऐसा नहीं जिसके बारे में नबी अलैहि वसल्लम ने कोई ना कोई ख़ूबसूरत अंदाज़ का ज़िक्र ना सिखाया हो हती कि इंसान शाम होती है तो फिर सुबह शाम के असकार हैं फिर इसी तरह हर नमाज के बाद के असकार हैं तस्बीहात हैं फिर बिस्तर में जाते वक्त की दुआ है फिर इसी तरह अगर आप किसी बीमार की आदत करने के लिए गए हैं तो उस वक्त की दुआ है अगर किसी कोई बीमार हो जाता है तो उसके ऊपर पढ़ी जाने वाली दुआएं हैं यानी कोई भी जिंदगी का गोशा ऐसा नहीं जिसमें इलाही की तरफ हमें मुतवज न किया गया हो और हकीकत यह है कि इंसान जब दुनिया से रख्सत होता है और अगर ला 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 पर उसकी मौत आती है तो इन श्ला उसके लिए बशारत है जन्नत में जाने की लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अपने आम हालात में जिक्र के आदी हों ये नहीं हो सकता कि आम पर हम गाफ़िल रहें और अचानक मौत के वक्त हमें याद आ जाए और बात यह है कि जिस खैर पर इंसान दुनिया से रुखसत होता है उसी पर फिर क्या के दिन उठाया जाएगा इसलिए जिक्र को अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए जी आप जी आप पूछिए जिक्र और दुआ में क्या फ़र्क है क्या दुआ भी जिक्र में शामिल है या जिक्र और दुआ दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिक्र और दुआ दोनों एक ही चीज़ें हैं जिक्र का मतलब है अल्लाह को याद करना बाज़ इंसान सिर्फ दिल में याद करता है ज़बान से नहीं भी दोहराता तो वो भी जिक्र शुमार होता है बाज़ इंसान को मसनून का इलिमात कहता है बाज़ अल्लाह ताली की तारीफ़ अपनी ज़बान में बयान करना यह भी एक तरह से ज़िक्र करना होता है और दुआ में ख़ास पर किसी चीज़ का मुतालबा किया जाता है ये कुछ मांगा जाता है अल्लाह ताली से यानी हर दुआ ज़िक्र है लेकिन हर ज़िक्र दुआ नहीं होती ज़िक्र की कई किस्में हैं जिनमें से एक दुआ भी है जी आप पूछिए क्या जिक्र के लिए हर वक़्त बावजू रहना ज़रूरी है ज़िक्र के लिए हर वक्त बावजूद बावजू रहने की शर्त नहीं है कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं अल्लादीन अल्लाह अला जुनूब वू नफ़ी बाबह नजा बनार वो लोग जो अल्लाह को याद करते रहते हैं खड़े होकर बैठ कर लेट कर अपने पहलुओं पर और कायनात में गौर वफिक्र करते रहते हैं कहते हैं कि पाक है तू है हमारे रब हमें आग के अजाब से बचा तो इससे यह पता चलता है कि इंसान बैठ कर चलते फिरते और लेट कर भी अल्लाह को याद कर सकता है अब लेटने की हालत ऐसी जिसमें सोना भी शामिल है तो सोते हुए अगर इंसान डर जाए या कोई बुरा ख़्वाब है तो उस वक्त भी जिक्र करना मसनू ज़िक्र मौजूद है यानी उस वक्त भी नबी अलैहि वसम् ने, ने दुआ मांगने का तरीका बताया कि अब क्या पढ़ो ताकि तुम तो उस ख़्वाब के खौफ से अगर कोई नापसंदीदा ख्वाब है तो उससे बाहर आ जाओ तो अब आप देखें कि सोकर तो वज़ू बाकी नहीं रहता और अगर अल्लाह की याद के साथ हर वक्त बावज़ू होने की शर्त होती तो फिर तो शायद ही कोई जिक्र कर सकता हर वक्त क्योंकि एक मुश्किल काम है वज़ू नमाज के लिए शर्त है नमाज वज़ू के बगैर नहीं होती लेकिन जिक्र आप वज़ु के बगैर कर सकते हैं और उसमें द्रोशरीफ़ भी शामिल है आयत करीमा भी शामिल है हाँ अफसल है अगर आपको तोफ़ी अल्लाह ने दी कि आप वज़ु के साथ हैं और वज़ु के साथ जिक्र करें लेकिन अगर बावज़ु नहीं है तो ज़िक्र से आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती इल्ला ये कि आप बैतलखला में हैं उस वक्त ज़िक्र नहीं करना चाहिए अदरवाइज़ आप आम रूटीन के नॉर्मल कामों में अल्लाह ताला को याद कर सकते हैं खा वज़ु से हों या बगैर वज़ु के हों जी आप तो कुरान पाक जो हम पढ़ रहे होते हैं तो क्या ज़रूरी है कि हम बहुत प्रॉपरली बैठ कर पढ़ें या हम टेक लगा के या हम अपने बिस्तर पे भी पढ़ सकते हैं अफसल तो यही है पसंदीदा यही है कि इंसान बा बैठे लेकिन अगर आप कुरान पाक का कुछ हिस्सा ज़बानी याद किए हुए हैं कुछ सूरतें ऐसी आपको आती हैं और आप चलते फिरते उनकी दोहराई करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं इजी जिक्र की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं इज्तमी जिक्र में कुरान पाक का पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना उसको याद करना ये तमाम चीज़ें आती हैं इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है इजाज़त चाहते हैं अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकू